हे दोस्तों, टोफा हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है साहिद और आज हम बात करने वाले हैं साउथ इंडियन सीरियल किलर वाली फिल्मों के बारे में, उन फिल्मों के बारे में जिसमें हम हर वक्त यही सोचते हैं कि अब ये सीरियल किलर क्या करेगा। अब तुझे कैसे मारूं? कोई ये नहीं कहना चाहिए कि इसके मरने पर मजा नहीं आया। इसीलिए सीरियल किलर वाली फिल्में हमें पूरी तरह से बांध के रखती हैं और जब तक एंड नहीं हो जाता है हमें फिल्म छोड़ने का मन ही नहीं करता। ऐसी टॉपिक पर बॉलीवुड से लेकर साउथ तक कई फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन आज हम यहां आपको साउथ में बनी 5 बेहतरीन सीरियल किलर वाली फिल्मों के बारे में बात करेंगे जो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। लेकिन एक फिल्म जो है वो अभी हिंदी में नहीं आई है, लेकिन बहुत ही जल्द आने की उम्मीद है। तो जैसे ही आएगी हम आपको फिल्मी टॉक में तो बता ही देंगे, साथ ही इस वीडियो के कमेंट को पिन भी कर देंगे। तो चलिए जानते हैं बेस्ट साउथ इंडियन सीरियल किलर वाली फिल्मों के बारे में। आई लव किलिंग, आई जस्ट लव किलिंग। तो अगर आपको भी ऐसे इंडस्ट्री में देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस घंटी को भी दबाएं ताकि नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। नंबर 5, निबुनन। निबुनन 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसे अरुण वैद्यनाथन ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में अर्जुन सारजा डीएसपी की भूमिका में नजर आएंगे। डीएसपी रंजीत अपने दो और साथियों के साथ बड़े बड़े केस को हैंडल करते हैं। फिल्म की कहानी डीएसपी रंजीत और एक सीरियल किलर के इर्द गिर्द घूमती है। ये सीरियल किलर जब भी कोई मर्डर करता है अगले मर्डर की हिंट दे देता है कि उसका अगला टारगेट कौन है, लेकिन क्या इसके बावजूद भी डीएसपी अपने टीम के साथ इस सीरियल किलर को पकड़ पाएंगे, यही फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म काफी अच्छी है जो आपको बांध के रखती है और आप यही सोचते हैं कि अब आगे क्या होगा। अच्छी फिल्म है जिसे अगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं। कातिल कितना भी बड़ा कातिल क्यों ना हो, लेकिन एक बात तो पक्की है कि वो कोई ना कोई गलती जरूर करता है। नंबर 4, गेम ओवर। गेम ओवर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी जिसमें तापसी पन्नू लीड रोल में है। इस फिल्म की कहानी काफी गजब की है। फिल्म की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि एक सीरियल किलर एक लड़की का बहुत ही बेरहमी से मर्डर कर रहा है। यहीं पर ही फिल्म हमें पूरी तरह से बांध लेती है। उसके बाद हम तापसी के कैरेक्टर सपना से मिलते हैं जो एक गेम डेवलपर है। यहीं से फिल्म स्टार्ट होती है जहां हमें सपना की जिंदगी के बारे में कुछ और बातें भी पता चलती है। फिल्म काफी ज्यादा सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई है जिसमें तापसे ने काफी गजब की एक्टिंग की है। ये फिल्म 2019 में तमिल के साथ साथ तेलुगु और हिंदी में भी रिलीज हुई थी। अभी ये फिल्म हिंदी में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 3, राक्षसन। बेस्ट क्राइम थ्रिलर फिल्मों में से एक राक्षसन को तो आप जानते ही होंगे। वैसे इस फिल्म को हर कोई जानता है क्योंकि फिल्म ही ऐसी है, लेकिन फिर भी अगर आप में से कुछ लोगों ने इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा है तो आपने एक बेहतरीन क्राइम थ्रिलर फिल्म को मिस किया है। ये फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई थी जिसकी कहानी विष्णु विशाल यानी कि अरुण कुमार के इर्द गिर्द घूमती है। शहर में कोई सीरियल किलर है जो स्कूल की लड़कियों को किडनैप करके उन्हें बहुत ही बेरहमी से मार देता है। अरुण कुमार सब इंस्पेक्टर है और केस में अपने सीनियर की हेल्प करते हैं। तो कैसे अरुण कुमार इस सीरियल किलर का पता लगाता है और उसे पकड़ता है, यही फिल्म की कहानी है। ये फिल्म उन फिल्मों में से है जिसके आप जितनी तारीफ करें कम है। ये फिल्म भी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2, वी। नानी की सुपरहिट एक्शन थ्रिलर फिल्म वी को साल 2020 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म में नानी के साथ सुधीर बाबू नजर आए थे। फिल्म काफी हटके है क्योंकि इस फिल्म में नानी एक सीरियल किलर की भूमिका में नजर आए थे। वहीं सुधीर बाबू एक पुलिस वाले हैं जो इस सीरियल किलर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। सितंबर 2020 में रिलीज हुई इस फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया था और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी। इस फिल्म को अगर आप अभी देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम पर ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है। ये फिल्म उन फिल्मों में से है जिसकी एंडिंग में हम ये देखते हैं कि असल में जो विलन है वो विलन नहीं है। तो आखिर विलन कौन है ये आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। वो इतना शातिर है कि किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए उसे पकड़ना नामुमकिन है। एकदम सही। नंबर 1, इमाइका नोडिगाल। 2018 में रिलीज हुई तमिल साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म इमाइका नोडिगाल को अजय गणना मुथु ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में नयनतारा लीड रोल में है जो इस फिल्म में सीबीआई ऑफिसर का रोल प्ले कर रही है। वहीं अथर्वा ने नयनतारा के भाई का रोल प्ले किया है और अनुराग कश्यप ने एक सीरियल किलर का रोल प्ले किया है।
जिसका नाम रुद्रा है। अब फिल्म की जो पूरी कहानी है वो रुद्रा और सीबीआई ऑफिसर अंजलि के इर्द गिर्द घूमती है। रुद्रा नाम के एक ऐसे क्रिमिनल को अंजलि ने काफी पहले मारा था, लेकिन ये जो किलर है ये बताता है कि ये वही रुद्रा है। तो आखिर पूरा मामला क्या है ये फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म काफी अच्छी है, बोले तो काफी ज्यादा ही अच्छी है, लेकिन अभी ये फिल्म हिंदी में नहीं आई है। हाँ, बीच में खबर आई थी कि फिल्म को हिंदी में डब किया जा रहा है, तो अगर फ्यूचर में कभी भी ये फिल्म हिंदी में आती है तो हम आपको बता देंगे। साइको। तो दोस्तों, ये थी कुछ सीरियल किलर वाली फिल्में जो काफी अच्छी हैं। इन 5 फिल्मों के अलावा और कौन सी सीरियल किलर वाली फिल्म आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक और ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।